जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी। तो जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था का केंद्र भी रहे हैं। कोई उन्हें ब्रज का लाल, कोई कन्हैया, कोई माखन चोर कहकर पुकारता है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण देव की और वासुदेव जी के आठवें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा। ये सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित काल कोठरी में डाल दिया। कंस ने देवकी के कृष्ण के पहले 7 बच्चों को मार डाला। जी हाँ, जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वो श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुँचाएं, जहाँ वो अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सकेंगे। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। बस उनके जन्म की खुशी में तभी से प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इधर कंस को जैसी देवकी के 8वें संतान के बारे में मालूम हुआ तो वो कारागार पहुंचा। उसने देखा कि 8वीं संतान कन्या है, लेकिन कंस को मृत्यु का भय था, इसीलिए उसने कन्या को जमीन पर पटक दिया। नवजात कन्या जमीन से आसमान में पहुंचकर बोली, रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है, यानी कि गोकुल पहुंच चुका है, और वो जल्द ही तेरा अंत करेगा। फिर कंस ने वृंदावन, गोकुल और आसपास के जितने भी छोटे छोटे एरिया थे वहां पर जन्मे सारे नवजातों का पता लगाया और मारना शुरू कर दिया। कंस ने यशोदा के लाल, जो कि कृष्ण थे, उन्हें भी मारने की कोशिश की और कई सारे प्रयास भी किए, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर सके। कंस को यह एहसास हो गया कि यह बालक ही वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान है, जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने युवावस्था में ही कंस का अंत किया। जय श्री राधे।